हेलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एग्रीगेट सप्लाई। लास्ट वीडियो में हमने एग्रीगेट डिमांड को पढ़ा था। एग्रीगेट डिमांड के बारे में हमने ये कहा था कि क्या होती है, प्लान एक्सपेंडिचर होता है बाय द ऑल सेक्टर्स, जितने भी सेक्टर्स हैं उनके द्वारा जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी जो टोटल डिमांड की जाती है उसके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है बाय द ऑल सेक्टर, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई एट इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हमने क्या कहा बेटा, हमने ये कहा एग्रीगेट सप्लाई जो होती है उसको डिनोट हम किससे करेंगे, एएस से करेंगे। ये क्या होती है, रेफर्स टू मनी वैल्यू। क्या होती है, मनी वैल्यू होती है किनकी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। दैट द ऑल प्रोड्यूसर, जितने भी प्रोड्यूसर हैं बेटा वो रेडी हैं मार्केट में उन प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने के लिए ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। तो हमने क्या कहा, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन ए गिवन टाइम पीरियड। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझो आप। हमने ये कहा कि एक टाइम पीरियड में जितने भी प्रोड्यूसर हैं इकोनॉमी में उन्होंने जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उनमें से जितने वो गुड्स एंड सर्विसेज जो भी मार्केट प्राइसेस हैं, जनरल प्राइसेस हैं, उन पे वो सेल करने के लिए रेडी हैं, दैट क्वांटिटी इज ट्रीटेड एज एग्रीगेट सप्लाई। देखो, आप लोगों ने प्लस वन में जब थ्योरी ऑफ सप्लाई को पढ़ा था तो आप लोगों ने दो कंसेप्ट पढ़े थे, एक आपने पढ़ा था स्टॉक और एक पढ़ा था सप्लाई। बेटा स्टॉक जो होती है ना वो अलग होता है और सप्लाई जो होती है वो अलग कंसेप्ट होता है। हमने ये कहा कि एक प्रोड्यूसर जो है उसने 500 यूनिट्स प्रोड्यूस की, ठीक है, 500 यूनिट प्रोड्यूस की, लेकिन मार्केट में जो भी प्राइस है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोड्यूसर है वो ओनली 300 यूनिट रेडी है बेचने के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, 200 क्या हो गया, 200 यूनिट्स क्या हो गई, स्टॉक में रह गई। जबकि आउट ऑफ 500 300 यूनिट्स क्या ट्रीट की जाएंगी, सप्लाई में ट्रीट की जाएंगी। तो हमने क्या कहा, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है बेटा, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू होती है जो कि इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके द्वारा उनको सप्लाई किया जाता है मार्केट में एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, ओके। तो हम उन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं जो मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस पे प्रोड्यूसर सेल करने के लिए रेडी है, ओके। तो हमने क्या कहा, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा हम यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड की बात करें चाहे एग्रीगेट सप्लाई की बात करें, हम यहाँ पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ही बात करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कहा, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन ए गिवन टाइम पीरियड। और वी कैन से एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। हम ये भी कह सकते हैं कि जितना भी टोटल आउटपुट जो है गुड्स एंड सर्विसेज का वो क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई होता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और आपको पता भी है, आप लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोगों ने फेजेस पढ़े थे ना, तो आपने क्या कहा था, फर्स्ट फेज क्या था, प्रोडक्शन था, नेक्स्ट फेज था आपका इनकम, एंड नेक्स्ट फेज था आपका एक्सपेंडिचर। तो बेटा हमने क्या कहा, जितना भी हम प्रोडक्शन करेंगे तो जो हमारे आउटपुट की वैल्यू रहेगी उसके इक्वल में हम क्या करेंगे, अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किन में, अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट आर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। किस फॉर्म में उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लैंड को रेंट देंगे, लेबर को वेजेस देंगे, कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देंगे। तो हम क्या कहेंगे, द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। नेक्स्ट बेटा, द सम टोटल ऑफ दीज फैक्टर इनकम एट डोमेस्टिक एंड नेशनल लेवल इज टर्म एज
नेशनल इनकम, आप लोगों को पता है ना, आप लोगों ने जब इनकम मेथड में देखा था आप लोगों ने, तो आपने क्या कहा था, जब आप क्या करते हो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दिस इज द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कितने टाइप्स थे बेटा इसके, आप लोगों ने पढ़ा था वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड्स। नेक्स्ट आपने कहा था एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी एंड रिटायरमेंट पेंशन। इस तरीके से क्या होता है बेटा, एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉयर के द्वारा कंपनशेट किया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या था, इट इज द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें क्या क्या था, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। नेक्स्ट था मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम में जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं उनके द्वारा जो इनकम अर्न की जाती है उसको अलग अलग इनकम में उसको क्लासिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए उसको हम किस में लेते हैं, मिक्स्ड इनकम में लेते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के द्वारा जो इनकम अर्न की जाती है वो किसका पार्ट होती है, मिक्स्ड इनकम का पार्ट होती है। जब हम सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डोमेस्टिक इनकम आती है। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं बेटा, डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, नेशनल इनकम आती है। तो हमने यही कहा द सम टोटल ऑफ दीज फैक्ट्री इनकम, जब हम फैक्ट्री इनकम का टोटल करते हैं ठीक है, एट डोमेस्टिक एंड नेशनल लेवल, तो उसको क्या ट्रीट करेंगे, हम डोमेस्टिक इनकम ट्रीट करेंगे। ओके, तो क्या कह सकते हैं, इन कंक्लूजन बेस पे हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट एग्रीगेट सप्लाई दैट इज ए एस एंड नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को बेटा डिनोट करेंगे हम वाई से, आर वन एंड द सेम थिंग क्या होती है, जो एग्रीगेट सप्लाई जो होती है बेटा वो इक्वल होती है किसके, नेशनल इनकम के। ओके, अब देखो इस चीज को समझो, हमने ये कहा बेटा जितना भी हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रहा है वही तो हमारी इनकम है, अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो इनकम कहाँ से जनरेट होगी। मींस हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई जो होती है दैट इज इक्वल्स टू आवर इनकम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम ये समझेंगे कि जो एग्रीगेट सप्लाई होती है या फिर नेशनल इनकम होती है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। देखो द मेजर पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस एंड द बैलेंस इज सेव्ड, क्या होता है, जनरली आप इंडिविजुअल्स हैं या फिर पूरा एक कोई नेशन ले लीजिए, तो हम क्या करते हैं, क्या तो इनकम को कंज्यूम कर लेते हैं या फिर कुछ पार्ट उसका सेव कर लेते हैं, तो हम क्या कहेंगे, इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव, क्या तो इनकम को हम कंज्यूम कर लेंगे या फिर हम इनकम को सेव कर लेंगे। इट मीन्स वी कैन राइट नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग और y इज इक्वल टू सी प्लस एस। ओके, और हम ऐसे भी कह सकते हैं y मीन्स इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एंड इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। ओके, हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो जितने भी प्रोड्यूसर हैं एक इकोनॉमी में उनके द्वारा प्रोड्यूस्ड जो प्रोडक्ट है, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी जो मनी वैल्यू होती है दैट इज एग्रीगेट सप्लाई एंड इट इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। ओके, और हमने क्या कहा, जो इनकम जो होती है क्या तो वो कंज्यूम कर ली जाती है या फिर वो सेव कर ली जाती है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो हमारी इनकम जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, और क्या कह सकते हैं हम, कंजप्शन प्लस सेविंग, क्या तो इनकम कंज्यूम कर ली जाएगी या फिर इनकम सेव कर ली जाएगी, तो हम क्या कहेंगे, इनकम किसके बरोबर होती है, सी प्लस एस के बरोबर होती है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, लास्ट में क्या कंक्लूजन निकल के आता है हमारे पास, हमारे पास ये कंक्लूजन निकलता है कि इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई और सी प्लस एस, ठीक है। अब बेटा हम शेड्यूल से, डायग्राम से इसको, इसके बिहेवियर को
पूरा अच्छे तरीके से रीड करते हैं, हमने ये कहा लेट्स सपोज इनकम जो थी फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी थी, जीरो थी। इनकम जो होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, आफ्टर दैट क्या होगा, इनकम धीरे 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 बढ़ रही है, ठीक है। तो हमने फिगर लिए, इनकम पहले जीरो थी, आफ्टर दैट इनकम हो गई 100, आफ्टर दैट 200, 300, 400, 500 एंड 600, मीन्स इनकम जो है वो एक कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। ओके, अगर हम बात करें कंजप्शन की, तो कंजप्शन के बारे में थोड़ा सा हमने एग्रीगेट डिमांड में पढ़ा था, बिकॉज कंजप्शन इज द फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। और हमने ये बताया था कि कंजप्शन जो है बेटा एक इकोनॉमी में जीरो नहीं हो सकता कभी भी, पूरी इकोनॉमी में इनकम चाहे जीरो हो लेकिन फिर भी कंजप्शन जीरो नहीं हो सकता। तो कंजप्शन कहाँ से शुरू होता है, ऑटोनोमस कंजप्शन से शुरू होता है, मीन्स एक इकोनॉमी में हमेशा मिनिमम कंजप्शन लेवल बना रहता है। तो हमने एग्जाम्पल हमने एज्यूम किए फिगर्स कि हमने माना कि जो हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन है दैट इज 40, आफ्टर दैट ये कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ रहा है, 80 से बढ़ रहा है। तो क्या हो गया, हमने कहा 40 के बाद में 120 हो गया, आफ्टर दैट 200, 280, 360, 440 एंड 520। अब देखो आप लोगों को ये समझाया गया था लास्ट जब हम एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कर रहे थे, तब भी हमने ये बताया था कि जिस रेट से इनकम बढ़ती है, जिस प्रपोर्शन से इनकम बढ़ती है बेटा, उस प्रपोर्शन से कंजप्शन नहीं बढ़ता। क्योंकि क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे कोई भी पर्सन जो होता है उसके कंजप्शन क्या हो जाते, कम हो जाते हैं, और वो क्या कर देते हैं, सेविंग करना शुरू कर देते हैं। तो आप देखो यहाँ पे इनकम कितनी है, यहाँ पे जीरो है, जबकि कंजप्शन कितना है 40, इसका मतलब यहाँ पे इनकम जीरो है और कंजप्शन 40 है। तो आपने क्या किया होगा, क्या तो आपने पास्ट सेविंग यूज की होगी, या फिर आपने अपनी कोई एसेट सेल की होगी, या फिर आपने किसी से बोरोइंग की होगी, तभी तो आप कंजप्शन कर पाए, ठीक है। फिर क्या था, इनकम आपकी कितनी हो गई 100 हो गई, लेकिन कंजप्शन 120 है। यहाँ पे भी देखो इनकम आपकी कम है जबकि कंजप्शन आप ज्यादा कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपने क्या किया होगा, कहीं ना कहीं से आपने एडजस्टमेंट किया होगा पैसे का, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो गया, इनकम जो है वो कंजप्शन के इक्वल हो गई, मीन्स जितना आपने कमाया उतना ही आपने कंज्यूम कर दिया, देखो। लेकिन फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे क्या हो जाएगा, इनकम ज्यादा हो जाएगी, इनकम कितनी हो गई 300, जबकि कंजप्शन कितना है 280, मीन्स यहाँ पे आपने क्या कर दिया, थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करना शुरू कर दिया। आपने 300 कमाए लेकिन आपने कंज्यूम कितने किए 280, मीन्स 20 रुपीज की आपने क्या कर ली, सेविंग कर ली। आफ्टर दैट आपकी इनकम कितनी होगी 400, लेकिन आपके कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितने हैं 360, मीन्स 40 रुपीज की आपने क्या कर ली, सेविंग कर ली। इस तरीके से बेटा हमने क्या कहा कि जो इनकम जो होती है वो जिस प्रपोर्शन में बढ़ती है उस प्रपोर्शन से कम प्रपोर्शन में कंजप्शन बढ़ता है, क्योंकि ये ऐसी सच्चाई है जिसको नकारा नहीं जा सकता। हमें पता है कि हर इंसान क्या करता है, अपनी फ्यूचर सेफ्टी के लिए, अपनी कॉन्टिंजेंसीज के लिए, इमरजेंसीज के लिए वो क्या करता है, थोड़ी बहुत सेविंग करता है। इस वजह से इनकम जो है उसके इनकम और कंजप्शन में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे कंजप्शन जो है वो पीछे रह जाता है और इनकम जो है आगे चली जाती है, मीन्स आप सेविंग करना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो हमने ये कहा कि हमारी इनकम जो है वो ये है 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। अब हमने कंजप्शन कहा कि हमारा कंजप्शन जो है 40 से स्टार्ट हुआ था, आफ्टर दैट 120, 200, 280, 360, 440 एंड 520, ठीक है। तो हमने क्या कहा, अब हमने कहा था कि इनकम जो होती है वो क्या होती है, कंजप्शन प्लस सेविंग होती है, ओके। अब हमारे पास इनकम भी गिवन है और कंजप्शन भी गिवन है, तो हम सेविंग कैसे निकालेंगे, कैसे निकाल लेंगे हम सेविंग, हम ये कह सकते हैं सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजप्शन, ठीक है। जब हम इनकम में से कंजप्शन को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू ऑफ सेविंग। अब देखो बेटा आपकी जो इनकम है वो कितनी है, जीरो है, जबकि कंजप्शन कितना है 40 है, इट मीन्स सेविंग क्या है आपकी, नेगेटिव है। आफ्टर दैट क्या हुआ, इनकम जो है आपकी कितनी है 100, कंजप्शन 120, इसका मतलब यहाँ पे सेविंग अभी भी नेगेटिव है, बट क्या हुआ, माइनस 20 है। देखो यहाँ पे क्या है, इनकम जो है 200 है,
लेकिन कंजप्शन भी 200 है, मीन्स जितना आपने कमाया उतना आपने खर्च कर दिया है, मीन्स सेविंग इज इक्वल टू जीरो। आफ्टर दैट क्या हुआ, इनकम जो है आपकी बढ़ गई, 300 हो गई, कंजप्शन 280 है, मीन्स सेविंग इज पॉजिटिव 20। फिर क्या हुआ, 400 हो गई इनकम एंड कंजप्शन इज 360, देन योर सेविंग इज 40। कैसे निकाल रहे हो आप, इनकम माइनस कंजप्शन करके, ठीक है। इनकम जो है उसको किससे डिनोट करते हो आप, वाई से, और कंजप्शन को सी से। जब आपने इनकम की वैल्यू में से कंजप्शन को लेस किया तो आपके पास क्या आई, सेविंग आ गई। तो सेविंग आपकी कैसे है, माइनस 40, माइनस 20, 0, 20, 40, 60 एंड 80। अब बेटा आप एग्रीगेट सप्लाई कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, कंजप्शन प्लस सेविंग करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगी। मीन्स जब आपने 40 एंड माइनस 40 को ऐड किया तो आपके पास एग्रीगेट सप्लाई कितनी आ गई, जीरो। आफ्टर दैट क्या है, 120 माइनस 20 है, तो आपके पास एग्रीगेट सप्लाई कितनी आ गई, 100। नेक्स्ट से 200 कंजप्शन है, सेविंग इज जीरो, नाउ एग्रीगेट सप्लाई कितनी हो गई, 300। आफ्टर दैट कंजप्शन की वैल्यू है 280, सेविंग कितना है 20, तो एग्रीगेट सप्लाई कितना हो गया, 300। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कंजप्शन की वैल्यू में सेविंग की वैल्यू ऐड करके आप क्या निकाल रहे हो, एग्रीगेट सप्लाई निकाल रहे हो। तो देखो एक बात ध्यान से देखो आप, एग्रीगेट सप्लाई की जो वैल्यू आई है दैट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इनकम एट एवरी पॉइंट। मीन्स जो इनकम जो है बेटे वो हर पॉइंट पे इक्वल है एग्रीगेट सप्लाई के, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वही तो इनकम होती है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस तरीके से क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम और इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, कंजप्शन प्लस सेविंग। ओके, नाउ अगर हम डायग्राम बनाएं इसका तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम जब भी ड्रॉ करेंगे तो हम क्या करेंगे, ओ एक्स एक्स लेंगे और ओ वाई एक्स लेंगे। तो हमने क्या किया, ओ एक्स एक्स पे हमने इनकम को, इनकम की वैल्यू को दिखाना है, और जो ओ वाई एक्स है बेटा उसके हम पर हम दिखाएंगे कंजप्शन एंड सेविंग की वैल्यू को, और वी कैन से एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो आपने क्या कहा, जब आपकी इनकम 100 थी, पहले आपकी इनकम 0 थी तो एग्रीगेट सप्लाई भी 0 था। फिर आपने क्या किया, जब आपकी इनकम 100 हुई तो आपकी एग्रीगेट सप्लाई भी 100 है। जब आपकी इनकम 200 थी, एग्रीगेट सप्लाई इज ऑल्सो 200। इसका मतलब क्या है कि एग्रीगेट सप्लाई जिस मैग्नीट्यूड से इंक्रीज हो रही है, जिस क्वांटिटी से इंक्रीज हो रही है, सेम उसी क्वांटिटी से क्या हो रहा है, इनकम इंक्रीज हो रही है। इस वजह से जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो होता है बेटा वो 45 डिग्री के एंगल पे होता है, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इनकम, और वी कैन से द क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज्ड इज इक्वल टू इनकम इंक्रीजेस, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो रहेगा वो 45 डिग्री के एंगल पे रहेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे एक छोटी सी बात बचती है बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री लाइन। क्या सिग्निफिकेंस होता है जो हम 45 डिग्री एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। हमने ये कहा कि जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो होता है वो 45 डिग्री के एंगल पे होता है। इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे। हमने ये कहा एग्रीगेट सप्लाई इज ऑब्टेनिंग बाय एडिंग कंजप्शन एंड प्लस सेविंग शेड्यूल। कैसे आया हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई, कैसे आया बेटा, कंजप्शन प्लस सेविंग करके आया, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, द स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन विच विल ओरिजिनेट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजन विल फ्रॉम अ 45 डिग्री एंगल, देयर बाय एस्टेब्लिशिंग द रिलेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। एज यू नो वेरी वेल कि जब इनकम जो है, जब कंजप्शन का कोई ना कोई मिनिमम लेवल था लेकिन आपके पास इनकम नहीं थी, इसमें इसका मतलब क्या हुआ, जितनी कंजप्शन का मिनिमम लेवल है उतनी ही सेविंग नेगेटिव है। मीन्स कहां से होगी इनकम की शुरुआत, कहां से होगी, ओरिजिन से होगी, ठीक है। और क्या कहेंगे, एट ऑल द पॉइंट ऑफ 45 डिग्री लाइन
कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम। बेटा आप समझिए इस चीज को, हमने ये कहा कि जो इनकम है वो किसके बराबर है, हर पॉइंट पे किसके बराबर है, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा जो सप्लाई कर्व है भाई वो क्या है, 45 डिग्री के एंगल पे है। और देखो इसमें एक और चीज ध्यान में रखनी है, जो ये पॉइंट्स जो हैं जहां से ये एग्रीगेट सप्लाई को टच कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, सिंस द टू वेरिएबल आर मेजर्ड इन द सेम यूनिट, क्योंकि क्या हो रहा है, टू वेरिएबल्स को जो है वो सेम यूनिट में मेजर कर रहे हैं, मीन्स इनकम इज एग्जैक्टली इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, इसी वजह से क्या होता है ये 45 डिग्री के एंगल पे होती है। और वी कैन से कि जितना इनकम में इंक्रीज हो रहा है ना, उतना ही एग्रीगेट सप्लाई में इंक्रीज हो रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जितना भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग ही तो इनकम इंक्रीज हो रही है। इसी वजह से हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो होता है बेटा वो क्या होता है, 45 डिग्री के एंगल पे होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ रेफरेंस, लाइन ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एग्रीगेट सप्लाई के बिहेवियर को पढ़ा। नेक्स्ट जो है बेटा, हमने आपको बताया कि एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो क्या होती है, सी प्लस आई मीन्स कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और एग्रीगेट सप्लाई को हमने क्या कहा, सी प्लस एस मतलब कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो हम क्या करेंगे, अभी हम पढ़ेंगे सी फंक्शन को, पढ़ेंगे कि कंजप्शन का क्या बिहेवियर होता है, क्या फंक्शन होता है, किस पर डिपेंडेंट होता है, ये किस तरीके से बिहेव करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा आई को, पढ़ेंगे जो हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। आप लोगों को बताया गया था कि इन्वेस्टमेंट टू टाइप का होता है, एक होता है ऑटोनोमस, एक होता है इंड्यूस्ड। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है बेटा, कि जिसके ऊपर इनकम का कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, जो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है इनकम का, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब इनकम बढ़ती है या घटती है तो क्या होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो घटता बढ़ता है, ठीक है। और आपको बताया गया था कि जो सेविंग जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव से शुरू होती है, आफ्टर दैट जीरो हो जाती है, और फिर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। कब होती है, कब होती है सुनो, हमने ये कहा कि इनकम जो जीरो से स्टार्ट हुई लेकिन कंजप्शन मिनिमम लेवल से शुरू हो रहा है, इसका मतलब शुरुआती दौर में क्या रहेगा, इनकम जो है वो क्या रहेगी, जीरो है, जबकि कंजप्शन को कोई ना कोई मिनिमम लेवल है, इसका मतलब शुरुआत में सेविंग क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। जो कि आपने देखा है शुरुआत में सेविंग क्या थी, नेगेटिव थी। आफ्टर दैट क्या होगा, जब इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर हो जाएंगे तो सेविंग क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जब इनकम ज्यादा हो जाती है और कंजप्शन कम हो जाता है तो क्या होगी, इस सेविंग पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरीके से हमें क्या करना है, इस चैप्टर में जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस रहेंगी उसमें हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ सी एंड सी फंक्शन, आफ्टर दैट हम आई के बारे में पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और हमें बहुत कुछ पढ़ना है, प्रोपेंस टू कंज्यूम पढ़ना है, प्रोपेंस टू सेव पढ़ना है, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा। रूटीन से जो भी वीडियोस भेजी जा रही है उनको अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ और प्रॉपरली सिंसेरिटी के साथ पढ़ो, ठीक है। तो आज के लिए यही था कि आपको क्या करना है, एग्रीगेट सप्लाई का जो बिहेवियर है उसको आपको रीड करना है। क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो इनकम के इक्वल होती है, और इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, 45 डिग्री के एंगल पे होती है। ओके, क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग, ठीक है। तो आज यही है, थैंक यू।